हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। और मैं आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ कॉलेज लेक्चरर का EFM डिपार्टमेंट के पेपर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 3। ये आपका टोटल 3rd क्लास है आपकी, जिसके अंदर मैं आपके लिए पेपर फर्स्ट की तैयारी का भी शुरू करवाई है मैंने आपको। उसमें भी अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं पेपर 1 का। जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो ये चीज़ समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास 5 यूनिट्स आने वाली हैं, जिसको हमने अभी शुरू किया है। इसमें मैं आपके लिए लगातार एक एक टॉपिक से लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, और हम किसी भी चीज़ को अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है वो एकदम 100% एकदम जीत वाली तैयारी हो। मैं अभी तक आपको ये करवा चुकी हूँ। आज जो मैं आपके लिए करवाने जा रही हूँ वो है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर किसी ने भी मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं, आई होप आप सभी को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और लेक्चर्स लेके आऊँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो आज शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, विच इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे बड़ी बात, हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो सीधे कंज्यूमर बिहेवियर लिखा हुआ है। कई स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूज़ है कि भाई मैम, सीधे के सीधे हमें कंज्यूमर बिहेवियर का तो कोई चैप्टर दे ही नहीं रखा। तो मैं आप सभी को ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है आपका, वो इसी टॉपिक में होता है, विच इज़ यूटिलिटी एनालिसिस एंड कार्डिनल अप्रोच। इसमें आपने देखा होगा, यहाँ दे रखा है इंट्रोड्यूशन टू कंज्यूमर बिहेवियर। इसीलिए मैं कहती हूँ आप मुझे फॉलो करते चलें। अगर कोई भी आपके ऊपर ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपको डाउट होगा, वो मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगी। सो स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ कंज्यूमर रिएक्शन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ प्राइस बाय वे ऑफ प्रेफरेंस एंड लाइकिंग। अब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो रेफर करता है उस फिनोमिना को ऑफ हम जो एक कंज्यूमर का रिएक्शन होता है प्राइस को देख के, और उसका प्रेफरेंस एंड लाइकिंग मतलब उसका जो रिएक्शन है कैसे रिफ्लेक्ट करता है, थ्रू द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ प्राइजेस एंड बाय वे ऑफ प्रेफरेंस एंड लाइकिंग। तो इसे हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको चाहती हूँ अब ध्यान से सुने, कि हमारा जो ये कंज्यूमर बिहेवियर है उसके अंदर हम इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो देयर आर 3 अप्रोचेस टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एक कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक के अंदर आपके पास ये 3 चैप्टर्स आते हैं, ये 3 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्फ्रेड मार्शल का कंज्यूमर बिहेवियर, उसने किस तरीके से डिफाइन किया है। हिक्स एंड एलन्स का, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी अप्रोच। और लास्ट है पॉल सैमुएलसन का। इसका जो है ये मैं आपको लेट लेके आऊँगी, लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला होगा जो अल्फ्रेड मार्शल का, जो आज हम करने वाले हैं। दूसरा होगा हिक्स एंड एलन्स का, जो कि होगा ऑर्डिनरी अप्रोच, जिसे हम इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। अभी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा लोगों को। उदासीनता वक्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे पास मार्शल का कार्डिनल अप्रोच। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ने वाली चीज़ है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी इज़ अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर। अब मैं पूरे जो कंज्यूमर बिहेवियर चलेगा उसमें एक शब्द लगातार यूज़ करूँगी, वो है यूटिलिटी। इसलिए मैं इसको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि यूटिलिटी क्या है। एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है एक कंज्यूमर की, जो उसको ज़रूरत है उस नीड को पूरा करने की जो ताकत रखता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। एनीथिंग सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इज सेट टू बी पॉजेस यूटिलिटी। ऐसी कोई भी चीज़ जो एक ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने की ताकत रखता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि एक केक हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई हंगर, ठीक है। एक सॉफ्ट ड्रिंक टू सेटिस्फाई थर्स्ट। तो ये सब क्या हैं? यूटिलिटीज़ हैं हमारी। क्या क्या? केक और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
यूटिलिटी फर्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये हमें समझना है ध्यान से कि यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी एक ज़रूरत हो गई और उस ज़रूरत को पूरा करना हमें सेटिस्फैक्शन कहलाता है। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी इज़ व्हाट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम द कमोडिटी और सेटिस्फैक्शन इज़ व्हाट ही एक्चुअली गेट्स। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो कि यूटिलिटी वो होता है जो एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम अ कमोडिटी, एंड सेटिस्फेक्शन वो एक्चुअली होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है, एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है, जबकि जो सेटिस्फेक्शन है एक रियलाइज सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। अब आगे क्या बोल रखा है हमें कि सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड मे बी मोर और मोर देन और लेस देन द यूटिलिटी। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि इन केस द कंज्यूमर गेट सेटिस्फेक्शन विच इज़ मोर देन द यूटिलिटी। ऐसा अगर हो जाए कि भाई उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसको असल के अंदर सेटिस्फेक्शन मिल जाए, उसे क्या कहा जाएगा, ही इज़ सेट टू बी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अदर देन अगर वो नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, डिससेटिस्फाइड कस्टमर। अगला जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, फर्स्ट हमने पढ़ा यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, सेकेंड पढ़ा है सेटिस्फेक्शन जो है डिराइव्ड मे बी मोर देन और लेस देन द यूटिलिटी। अब थर्ड हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूटिलिटी इज़ न्यूट्रल। यूटिलिटी इज़ न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। वो हमें, अब देखो सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें ख़राब चीज़ों से भी आ सकती है, कुछ लोगों को ख़राब चीज़ों से भी आती है, कई चीज़ों को सही चीज़ों से भी आती है, हम उसमें जज नहीं करते हैं। तो ये जो पॉइंट है यूटिलिटी का, ये न्यूट्रल है, ये किसी को भी पक्षपात नहीं करता, या कहने का मतलब वो जज नहीं करता, यहाँ जजमेंट फ्री है। किसी इंसान को लिकर पी के, शराब पी के सेटिस्फेक्शन होता है तो वो उसके लिए अच्छा है, वो अब उसके लिए अच्छा समझता है, यही इसने यहाँ बता रखा है कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ इज सेटिस्फैक्टरी वार्निंग, फिर भी लोग उसे परचेज करते हैं, येट पीपल परचेज एंड कंज्यूम इट। आई होप यू कैन सी इट। ठीक है, यूटिलिटी इज़ देयरफॉर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या है, इज डिफरेंट फ्रॉम कमोडिटी। अब अगला हमारे पास, यूटिलिटी इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि अब देखो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमारा जो ये एक सब्जेक्टिव है, मतलब कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल के लिए ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है ना, यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। एक नॉन स्मोकर के लिए सिगरेट की कोई यूटिलिटी नहीं है, जबकि जो सिगरेट पीता है उसके लिए तो है। अगला है द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, अभी किस किस के ऊपर, कि एट्रीब्यूट्स क्या है कमोडिटी जो पॉजिस कर रही है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, सेकेंड है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कंज्यूमर, और थर्ड है पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ ऑलवेज रिलेशन विथ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब है मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो आपका फर्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल और जो सेकेंड है आपका एलेंस और हिक्स वाला ऑर्डिनल अप्रोच, इन दोनों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही एक मेन डिफरेंस है कि मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। जो अल्फ्रेड मार्शल है वो ऐसे कहता है कि यूटिलिटी इज़ कार्डिनली मेजरेबल, मेजरेबल उसे मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकल यूनिट्स में। आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, मैं बता सकता हूँ कि आपको एक लेवल का हुआ है, दो लेवल का हुआ है, इसका कहने का ये मतलब होता है। अब यहाँ पे इसने यही चीज़ डिफाइन कर रखी है। ठीक है, अब आपके पास एक ये आता है कप ऑफ टी, एक एग्जाम्पल आता है इसको। ठीक है, अब आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको एक कप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम्ड पर डे दे रखा है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप, मैं चाहती हूँ आप ये चीज़ यहीं समझ जाए ताकि आगे आपको इस चीज़ को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ
मेरे पास दे रखा है कि मैं एक दिन में कितनी कॉफ़ी कंज्यूम्स करती हूँ, उससे मुझे कितनी टोटल यूटिलिटी होती है, कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अभी ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या फंड है, ये चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगी, तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक कॉफ़ी कंज्यूम करती हूँ तो मुझे उस मतलब क्योंकि कार्डिनली मेजरेबल बोला है, तो उसने ऐसे बोला कि भाई 15 यूनिट का सेटिस्फेक्शन होता है मुझे, टोटल जो उसकी सेटिस्फाइंग पावर होती है ना वो है 15, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है उसकी 15। अब दूसरा देख लो, अगर मैं 2 कॉफ़ी कंज्यूम करता हूँ तो भाई यूटिलिटी क्या होने लग जाती है, 28 होने लग जाती है। ठीक है, 28 मतलब और अच्छा लगता है मेरे को। और लेकिन जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो क्या है, 15 से घट के 13 पे आ जाती है, मतलब ये डिक्लाइन में चल रहा है, ये अभी इंक्लाइन में चल रहा है। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड में ये हमें ऐसे कह रहा है कि थर्ड में हमें क्या कहना चाह रहा है कि ये थर्ड में हमें ये कहना चाह रहा है कि जब थर्ड कप पिया ना मैंने, 35 का सेटिस्फेक्शन हुआ टोटल मुझे, और लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घट के कितनी हो गई, 7 हो गई, मतलब ये लगातार घटती ही जा रही है। मैं जैसे जैसे कप इंक्रीज़ कर रही हूँ वैसे वैसे ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, 7 में क्यों हो रहा है ये भी हम पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अगला फोर्थ पे क्या हुआ हमारे पास, फोर्थ में 40 हो गई है, इससे भी बढ़ गई, और इससे 5 मतलब और कम हो गई है इससे। फिफ्थ पे 42 और ये 2 पे। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं एक दिन में 6 कप दूध ये कॉफ़ी पीने लगी, मेरी यहाँ पे आते होते ये दोनों सेम हो गई, मैं न्यूट्रल पहुँच गई, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर मैंने पीना तो मुझे घिन आने लग जाएगी, मुझे उबाक आने लग जाएगी। मैं मतलब अपने टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि एक बार में दिमाग में फिट हो जाए। इसका मतलब मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी रहेगी उसकी, 0। अब मुझे, मैं न्यूट्रल हूँ, अगर मैं और भी मतलब अब मुझे अंदर से वो नहीं आ रही कि मुझे इसको पीना है ना, ये 6 मैक्सिमम था मेरे लिए, यहाँ पे आने के बाद मैं न्यूट्रल हो जाऊँगी। अगर मैंने और पी 7th लिया तो अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी भी घटेगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वो तो घट ही रही थी लेकिन नेगेटिव में हो जाएगी, जैसे ही वो नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी भी यहाँ पे घटनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब फिफ्थ से ऊपर अगर आपने एक भी कप कॉफ़ी का पिया तो आपको अब न्यूट्रल फील होने लग जाएगा, और उसके बाद एकदम ही उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में घट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट हमने टोटल यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन कब हुई थी, 1st के ऊपर, क्योंकि दोनों के दोनों आपकी टोटल यूटिलिटी भी और मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक कप बढ़ाते जा रहे हो, टोटल यूटिलिटी तो घटती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही है आपकी, लेकिन वो बढ़ किस रेट में रही है, ये घटते हुए रेट में बढ़ रही है। देखो आप पहले अगर देखो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस था, 13 का, ठीक है, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो ये लगातार घट रहा है। इसे ही हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हर एक यूनिट जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं उससे टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब यहाँ इसने एक और चीज़ दे रखी है, एज द कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस 2-5 कप्स पर डे, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल कप्स गोज ऑन डिमिनिशिंग। कहने का मतलब ये है द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। लेकिन अगर आप 6 से आगे आ जाते हो, 6 पॉइंट से आगे आ जाओगे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी वो 6th का आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी देने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वो डिसयूटिलिटी में बदल चुका है, ना कि वो अब यूटिलिटी रही है आपकी। अब मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब इसने यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो आप, और इसका एग्जांपल्स भी मतलब ग्राफिकल वे में भी समझाने की कोशिश की है। तो हम आते हैं सबसे पहले टोटल यूटिलिटी के ऊपर। टोटल यूटिलिटी क्या होता है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी इज फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज द सम ऑफ, किसका सम है वो, यूटिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स टिल द क्वांटिटी लेवल। कहने का मतलब ये है, ये एक सम होता है
ऑफ टोटल यूटिलिटी जो हम डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दी सक्सेसिव, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं उससे कितनी यूटिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि हम ये चीज़ देख सकते हैं 15 था है ना, अब 15 और 13, जैसे दूसरी और पहले के अंदर जो है इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 28 ही आएगा आपके पास है ना, क्या आएगा आपके पास 28 आएगा, इन दोनों को ऐड करो 28, इन दोनों को ऐड करो ये है ना, इसी तरीके से चल रहा है आपका, इन दोनों को नहीं सॉरी इन तीनों को जब ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा, और सबको ऐड करते जाओगे तो ये आता जाएगा आपके पास, तो टोटल यूटिलिटी ये होता है। आई होप ये क्लियर है आपको, आप चाहोगे मैं इसको वापस समझा सकती हूँ आपको। अब है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अभी अभी मैंने आपको बोला वो चेंज इन दी टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम दी कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो चेंज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आने वाला जो है आपका, जैसे कि सपोज करो 1, 2, 3, 4, अब हम क्या करेंगे मेम्यू निकालने के लिए कि इसमें से इसको माइनस कर दो, इसको इसमें से, इसको इसमें से, तो यही इसने यहाँ पे बना रखा है कि टोटल यूटिलिटी MUN इज इक्वल टू TUN माइनस में जो अगला वाला है N माइनस वन, ठीक है। अब ये देखो इसका फॉर्मूला आप ये भी बोल सकते हो टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन यूनिट्स है ना, या फिर आप ये लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं हम लोग बेसिक एजम्पशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब देखो मेरी तरफ से मैं आपको कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रही हूँ, वी आर गुड टू गो विद दिस, और मेरे को पूरा विश्वास है अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, और पेपर में एग्ज़ाम देख मतलब पेपर देखते ही क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर सकते हो उस क्वेश्चन को। बस मैं ये चाहती हूँ आप किसी भी चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ें, ये तो अभी शुरुआत हुई है हमारी, जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ होंगे ना तो हमारे पास कन्फ्यूजन जो है बिल्डअप होता जाएगा, लेकिन हमें होना ही नहीं क्योंकि हमने तो एक एक पेज पढ़ रखा है ना, है ना। तो अब आगे आते हैं, अब है बेसिक एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। पहला है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, ये कहता है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर वाला पॉइंट जो है हमारा, वो हमें ये कहता है कि हर एक कंज्यूमर जो है वो अच्छे से एक एक समझदार इंसान है, उसे प्राइस के बारे में भी पता है और उसकी यूटिलिटी कितनी मिलेगी उसके बारे में भी पता है, ठीक है, उसे वैल्यू जजमेंट करना आता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। अब देखो इसमें बेसिक एजम्पशन ये है कि हम जो भी यूटिलिटी ले रहे हैं उसे हम मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजरेबल एंड क्वांटिफिएबल, देखो एक लाइन यहाँ दे रखी है। अब आते हैं हम लोग हाइपोथीसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि ये हाइपोथीसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ के ऊपर एनालिसिस करता है ये। ऑन दिस हाइपोथीसिस द यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर कैन डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो डिराइव कर रहे हैं ना हम यूटिलिटी, वो एक सिंगल सिंगल से है, हम एक सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, एक एक यूनिट बढ़ाने से या घटाने से हमें होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हमें टोटैलिटी में जो चीज़ की है ना उसका फ़र्क पड़ता है। तो चलो हम इसने जो एजम्पशन दे रखा है हम उसके बारे में बात की हमने। अगला है कि ये ऐसे बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना इज़ कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी डिमिनिशेस, मतलब ये असलियत है ना, एज मोर ऑफ देम आर परचेज्ड और कंज्यूम्ड, है ना, ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हम ज़्यादा चीज़ें कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है वो डिक्लाइन होती जाएगी, लेकिन मार्शल ने इस चीज़ को इग्नोर किया है, क्या उसने ये चीज़ इग्नोर की है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी थी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आपको कि डैनियल बर्नौली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस दिस एजम्पशन बट लेटर मार्शल ने अडॉप्ट किया। ये क्वेश्चन क्या पता आ जाए, इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बोल रही हूँ आपके लिए, ठीक है।
adopted this in his famous book Principles of Economics. Marshall measured marginal utilities in terms of money. Measurement of marginal utility of goods in terms of money is very critical aspect. मतलब ये अगर आप देख लीजिएगा. आते हैं हम अगला, diminishing marginal utility. ये इसको मैं बहुत आराम से आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जैसे जैसे हम, जैसे सपोज करो एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, जो मज़ा पहली रोटी में आया होगा ना वो तीसरी रोटी में नहीं आ सकता आपको. इसको इस तरीके से आप आराम से समझ लीजिए. वो यही कहने की कोशिश कर रहा है, diminishing marginal utility का मतलब यही होता है. अब है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, वो है ग्राफ. ठीक है, अब हम ग्राफ के ऊपर आते हैं. अब ये ग्राफ है इसका. ठीक है, हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं. देखो मैंने आपको क्या कहा कि टोटल यूटिलिटी जो है ऐसे इंक्रीज होती है आपके पास और वो ऐसे आ जाती है. अब ये क्या कारण है इसका, क्योंकि जो पहला जो सेटिस्फेक्शन था ना, जो फर्स्ट यूनिट से, वो कभी भी इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी, इसमें तो हम एकदम ही छिक जाते हैं और इसके अंदर एकदम नेगेटिव में आ जाते हैं. ठीक है, इसीलिए जो ये जो है कर्व, ये ऐसे नहीं है. अगर आप ध्यान दो, ये ऐसे नहीं है, ये है ऐसे. इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यूज़ पे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि ये है अगर आपका वाई एक्सिस देखो आप, तो यहाँ है टोटल यूटिलिटी आपके पास और एक्स एक्सिस पे आपका है यहाँ पे एम यू. अब ये क्या बोल रहा है कि जब आपने फर्स्ट क्वांटिटी को कंज्यूम किया, फर्स्ट क्वांटिटी को कंज्यूम किया तो आपके पास इतना सेटिस्फेक्शन आया, इतना टी यू आया. सेकेंड क्यू टू के ऊपर क्या हुआ आपके पास, ये इंक्रीज होकर यहाँ आया. अब आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हो, चेंज इन ये इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो एम यू. यहाँ देखो स्लोप ऑफ द कर्व क्या है आपके पास, चेंज इन यूनिट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, कितनी यूनिट आपने चेंज करी है जब आपकी क्वांटिटी आपने इंक्रीज करी, इसी को हम स्लोप भी कह सकते हैं. अब जैसे ही ये यहाँ पर आता है, क्यू फोर के ऊपर आता है, अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये जाता जा रहा है ऐसे, है ना. ये जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जब उसको न्यूट्रल हो चुका है, वो मतलब सैचुरिटी पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है. इसीलिए इस पॉइंट को जो यहाँ पे टच करता है ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. इसके आगे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा एम यू जो है ना, वो क्या होने लग जाता है, नेगेटिव. तो हम इसको, मैं छोटे से ब्रीफ में आपको एक चीज़ समझाती हूँ. जैसे ही हमारा टी यू इंक्रीज होता है, हमारा एम यू जो होता है वो टी यू है, यहाँ एम यू है. हमें तीन स्टेजेस पढ़ने हैं इसके, कि जब टी यू इंक्रीज होता है एम यू भी डिक्रीज होता है. ठीक है, उसके बाद जब टी यू न्यूट्रल हो जाता है, हमारा एम यू ज़ीरो हो जाता है. टी यू न्यूट्रल, एम यू ज़ीरो. और लास्ट क्या है, जब ये मतलब नीचे डिक्लाइन होने लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव के अंदर. तो हमने ये तीन पार्ट्स पढ़ लिए. आई होप ये आपको क्लियर होगा. अब इसने यही चीज़ इसमें बता रखी है, मैंने सारा पढ़ लिया. अगर कोई भी चीज़ ज़रूरी होती आई वुड हैव टोल्ड यू. बस ये बताना है कि एक इसको पॉइंट ऑफ स्टेटिटी क्या होता है, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब जैसे कि मैंने बोला था, इसमें आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इसको मैं पहले ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. मतलब पहला जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक कमोडिटी से रिलेटेड है पहली बात तो ये. अब ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे आप एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीसरी रोटी के अंदर पेट भर जाएगा और उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आपने फर्स्ट रोटी में डिराइव की थी. या फिर आप पानी का ले लो, जो आपने पहला घूंट पिया होगा ना, जितने मज़ेदार वो लगा होगा, वो आपको, आपने एक गिलास पिया पेट भर गया, दूसरा गिलास पिया चलो वो भी पी, लेकिन तीसरे में आपसे पिया ही नहीं जाएगा. तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे अगर हम आते हैं, तो ये टू कमोडिटीज़ के ऊपर है, मोर देन टू कमोडिटीज़ की बात होती है इसके अंदर. अब देखो सीधे हम इसके ऊपर आते हैं. लॉ क्या कहता है हमें, एज अ कंज्यूमर गोज एंड कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एडिशनल यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग प्रोग्रेसिवली.
अब देखो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल भी दिया है, व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी थर्स्टी ही गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी व्हेन ही ड्रिंक्स द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ थर्स्ट वॉज द हाइएस्ट, इस समय थर्स्ट की जो प्यास की जो इंटेंसिटी थी वो हाइएस्ट थी, द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर विच ही कंज्यूम गिव हिम लेस यूटिलिटी एज इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड, आगे द यूटिलिटी फ्रॉम द थर्ड विल बी स्टिल लेस एंड गोज ऑन डिक्लाइन विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेटिएबल वॉन्ट, सेटिएबल वॉन्ट, सॉरी अगर मेरी प्रोनंसिएशन आपको अजीब सी लगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको सेटिएबल वॉन्ट्स भी बोल सकते हैं, सेटिस्फाई सेटिएबल, ठीक है ओके। इसकी डेफिनेशन दी हुई है लिप्सी और केनेथ ने, इसमें भी आपको यही कह रखा है, मैं ये वाली पढ़ूंगी आपके लिए क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगी थी। एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंज्यूमर ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। अब इसमें एजम्पशंस क्या हैं, जैसे कि मैंने कहा एक ही वो ले रहा है, यूनिट कम ऑफ कमोडिटीज आर होमोजीनियस, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ही ले रहा है वो, अ कप ऑफ टी मतलब इस तरीके से कंटिन्यूस कंजम्पशन कर रहा है, कोई चेंज ऑफ टेस्ट और फैशन नहीं है, इनकम डज नॉट चेंज, जो कि है नहीं मतलब सही नहीं है, कंज्यूमर रैशनल पर्सन है और ये यही बोल रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें यही बोला हुआ है इसने वापस से, आप चाहते हैं वापस पढ़ लेती हूँ आपके लिए। एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी फ्रॉम ईच ऑफ द सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, यही बोला हुआ है इसने, ठीक है। जैसे कि इसने ये वाली चीज़ बोल रखी, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे अपने यूनिट्स को, आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो एक टाइम पे ऊपर बढ़ के और फिर एक जगह न्यूट्रल होके वो क्या होने लग जाए, घटने लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। अब इसको इसने एक ही ग्राफ के अंदर समझा रखा है, ये जो आपकी है यह टोटल यूटिलिटी और ये जो जा रही है वो है आपकी एम यू, आपने वाई एक्सिस पे लिया है ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी और नीचे आपके पास है क्वांटिटीज़ हो गई आपके पास, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ मैं वापस बता रही हूँ आपको, ये इस तरीके से है क्योंकि इट टी यू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, पहले पे दोनों इक्वल होंगे उसके बाद जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये घटता जाएगा, ये अपने इस पॉइंट पे आके जो सेटिस्फेक्शन है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो पे है ना, ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद से जब ये नीचे गिरने लग जाएगा, डिमिनिशेस होने लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। आई होप ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्लियर है। अब इसमें देखो एक और चीज़ ने बोल रखी है, अब हमें ये बोल रहा है कि आप इनकम मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में भी देखो कि इन दोनों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखो इन अ गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वेटेड टू द यूटिलिटी फॉरगॉन, जब हम देखो इसको ध्यान से पढ़ना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वेटेड टू द यूटिलिटी फॉरगॉन बाय पेइंग द प्राइस ऑफ वन यूनिट, है ना, मतलब प्राइस ऑफ वन यूनिट हम लोग उसको इक्वेट करते हैं दोनों को एक दूसरे से, बिकॉज पेइंग मनी ऑफ अ कमोडिटी हमारे तरफ, अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारी तरफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो ये इन्वॉल्व करता है सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ क्या, जब हम पे कर रहे हैं तो मनी से ही ना, लेकिन हम गेन किस तरीके से कर रहे हैं, हम एक यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कमा रहे हैं। दस इफ एम यू एम इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम, तो पी यू एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स, द यूटिलिटी फॉर गॉन क्या होगा, पी यू एक्स जो प्राइस पे की है उसके लिए, एम यू एम जो मनी हमने सेक्रीफाइस की है, इज इक्वल टू, ये होगी उस एक मनी, एक कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, प्राइस ऑफ एक्स इंटू में इसको परचेज करने के लिए जो मनी हमने सेक्रीफाइस की है। इसको हम जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं कि हम कर सकते हैं कि एम यू एम को यहीं छोड़ दे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। अब ये यही चीज़ इसने डिफाइन कर रखी है, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो क्योंकि इसने शुरू में क्या कहा था कि हमारी जो मनी है वो हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन मनी हमारी कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ दे रखी तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये इसमें यही बोल रहा है कि जब इसकी ये कंज्यूमर ये इसको एक यूनिट कंज्यूम करी तो इसका जो एम यू एक्स था वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद जब उसने ये यूनिट परचेज करी तो जब इससे जो इसका दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा ये, जब इसने ये यूज़ करी मतलब थर्ड यूनिट के अंदर, तो इसका आई गया नीचे, है ना, तो एम यू एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू में इस पी एक्स को मतलब इस कमोडिटी को परचेज करने में जो मनी हमने सेक्रीफाइस की है इंटू, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही चीज़ ने यहाँ दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ देखो इसने क्या बोला है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब्स अ फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर, द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड फॉर द थ्योरी ऑफ डिमांड इज दैट द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइज एज द प्राइज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अब देखो इट इज़ बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका ट्रू फॉल्स या फिर कौन सी आपका सही है गलत है उसमें आ सकता है, कौन सा स्टेटमेंट फॉलोज कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में। इट इज़ बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, कहने का मतलब ये है हमारे पास ऐसे ही होता है ना, कंज्यूमर का जो वो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका कारण है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। अब आगे हमारे पास इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें क्या होगा ये हम तब यूज़ करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर कंज्यूमिंग मैनी गुड्स। कहने का मतलब ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, ये खुद बोल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर तो नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज से ही सेटिस्फाई होता है अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए, ठीक है। अब इसका लॉ देखते क्या बोलता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन कमोडिटीज इन सच अ मैनर दैट द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट रूपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से अपनी पैसों को दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ में खर्च करेगा कि दोनों से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, है ना, उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। इसका भी जो एक नीचे दे रखा होगा, तो अच्छा सबसे पहली बात तो इसका जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एम यू एम क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स होता है हमारे पास। तो अगर दो कमोडिटीज़ हम बोल रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं पहले आपको वो डायग्राम में ग्राफ जो है ना वो समझाऊंगी, फिर इस पर वापस आऊंगी। अब ये देखो एक बार आप टेबल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए अगर हो पाएगा तो, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना एकदम, मैं इससे बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी आपको। जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था ऑफ कमोडिटी एक्स,
एंड कमोडिटी वाई। तो ये जो था इसका, ये ना फॉर्मूला हमें इसी तरीके से निकालना होता है ना। इसमें देखो क्या डिफरेंस आ रहा था, एम यू एक्स जब उसने 20 कंज्यूम किया, इसका 24, तो 10 और 8 ये आया इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑन कमोडिटी एक्स। अगर 18 है, देखो अगर इसको कम करना है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा ना। अगला, जब इसने इसको घटाया, मतलब ये तो बढ़ा रहा है, तो इसकी वैल्यू में क्या हुआ, ये डिक्लाइन होने लगी है ना, ये डिक्लाइन होने लगी यहाँ पे। तो एक वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, एक कमोडिटी ये हो गई हमारे पास। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, ये अगर आप ध्यान दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो हम इन दोनों को ही बेस ले लेते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब कमोडिटी एक्स के बारे में बात कर रही हूँ, जब उसने 6 यूनिट्स कमोडिटीज़ परचेज की होगी, तो उसे 5 ये यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी गेन हो रही है उसे। ऑन दी अदर हैंड एक और 5 है, 4 यूनिट्स ऑफ ये है ना। अगर आप ध्यान दोगे तो यही आंसर है। अब इस बंदे को जिसने भी ये खर्च किया है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसे 5 यूनिट ऑफ एक्स लेना चाहिए, मतलब 5 यूनिट जो ये है ना, 6 यूनिट तो लेनी चाहिए इसकी एक्स की, और उसे 4 यूनिट लेनी चाहिए 5 वाई की, तब उसका जो सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मतलब उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो उसके अंदर किस तरीके से अपनी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर सकता है, जब दोनों को हम मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर बराबर ही करके परचेज कर रहे हैं। तो बराबर कब हो रहा है, ये वो इसी पॉइंट पे हो रहा है ना, कि अगर वाई परचेज करना है ना, तो आप क्या करो, केवल उसकी 4 यूनिट लो, और अगर आपको एक्स परचेज करना है तो आप उसको 6 यूनिट परचेज करो। अब यही चीज़ इसके इसमें दे रखी है। देखो, इट विल बिकम क्लियर द एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू 5 यूटेंसिल्स व्हेन द कंज्यूमर परचेजेस 6 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स। एम यू एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 5 यूटेंसिल्स व्हेन वो 4 कमोडिटी कंज्यूम करता है। तो वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब रहेगा उसको, जब वो 6 तो एक्स की बाय करेगा और 4 यूनिट वाई की बाय करेगा, तो उसके टोटल रुपीज़ 24 हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि एम यू एक्स अपॉन में पी वाई, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू वाई अपॉन में पी वाई इज एम यू एम। अब आते हैं अपने, हाँ एक ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको इसने सेट मतलब हेंस प्रूफ करके दिखाया है। अगर आप बोलना चाहो तो भाई ऐसे भी तो बोल सकते हो कि भाई ऐसा क्यों, हम तो कुछ और भी ले ले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। सपोज़ करो हम है ना, इसकी तो 5 ले लेते हैं, इसकी 7 ले लेंगे या फिर इसकी कम ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका भी हेंस प्रूफ करके दे रखा है इस बुक के अंदर। मैं बोलती हूँ ग्राफ ज़रूर पढ़ के जाना भाई, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि ग्राफ्स में से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, अभी जो एक्स का था, एक्स का कितना इसने परचेज किया था, ये बोल रहा था कि एक्स की तो आप ये परचेज करो 6 यूनिट्स और वाई की परचेज करना 4 यूनिट, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो मैं तो 6 नहीं करके 5 ही करूँगा, तो आप ये देखो कि आपका ग्राफ पहले यहाँ था, अब वो यहाँ चला गया, तो मतलब यही रह गया केवल एरिया। ये क्या है आपका, ये लॉस हो गया, मतलब ये लॉस इंडिकेट करेगा आपका। अभी ध्यान देना क्या कह रही हूँ मैं। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे वाले में आप कह रहे हो कि आपने पहले इतना गेन किया, अब आप बढ़ा के 5 लोगे इसका, तो आपने इतना किया, ठीक है, पहले इतना था अब ये इतना हो गया, इसका मतलब ये परसेंट इसका क्या हुआ, गेन हुआ। लेकिन आप ओवरऑल इन दोनों की कंडीशंस देखो, लॉस ज़्यादा है गेन ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए एक आइडल सिचुएशन नहीं हुई, हमें लॉस ज़्यादा हो रहा है इसमें। इसमें देखो ये यहाँ तक है, इतना एक्स्ट्रा मतलब जहाँ तक गेन कर रहा है ना, उतने में तो यही एरिया आ गया इसका,
समझ रहे हो, इसका गेन जो है वो उसमें तो यही एरिया आ गया, इसका इतना तो लॉस बच ही गया, मतलब एक्स्ट्रा लॉस कवर हमें तो ज़्यादा बेटर क्या है कि हम इसका तो 6 यूनिट कर ले पूरा का पूरा और इसका 1 कम कर ले, तो ये इतना जो लॉस हुआ है होगा ना इसको, वो हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहीं इसने इसको बोल रखा है वह क्रिटिसिज्म, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका। अब ये यही बोल रहा है, जैसे मैंने बोला गार्डन मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज़ अनरियलिस्टिक, ऐसे नहीं हो सकता कि मेरी इतनी सेटिस्फेक्शन पूरी, इतनी सेटिस्फेक्शन पूरी, ऐसे नहीं बोल सकते आप भी, मेरे को चाहिए और मैंने उस हिसाब से ले लिया, हम ये नहीं बोल सकते। द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी कैन नॉट, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है। अब assumption of constant marginal utility of money, ऐसा नहीं होता कि भाई हम जितना खर्च कर रहे हैं या जितनी आ रही है जा रही है उसे हमें constantly marginal utility हो रहा है ना। तो हम, ये तो obvious सी चीज़ है कि जैसे जैसे commodity increase करेंगे, हम purchase करेंगे, वैसे वैसे हमारी जो money है वो कम होगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जो marginal utility to him वो rises होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। Assumption of independent utility is wrong, ऐसे नहीं होता ना कि एक ही यूटिलिटी चल रहा है ना। जैसे बोलने कुछ करा कि अदर गुड्स के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स और क्या होते हैं, है ना। अगर हम मिल्क परचेज कर रहे हैं, मतलब मिल्क की अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है तो हमारा शुगर कंजम्पशन पे भी तो असर पड़ता है, या टी के कंजम्पशन पे भी तो असर पड़ता है ना। तो अलोन नहीं चल सकता ये। एक और है आपके पास कि ये ऐसे बोलता है ना कि एप्लीकेबल टू वन कमोडिटीज, ऐसा कुछ नहीं है, मोर देन वन कमोडिटी इज़ द रियलिस्टिक अप्रोच। लास्ट है आपके पास गिफेन पैराडॉक्स। ये जो एक पॉइंट है ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझाऊंगी, ठीक है ना। इस जो मार्शल ने प्रिंसिपल दिया है ना, वो गिफेन पैराडॉक्स के ऊपर नहीं होता है अप्लाई, ये जो इसके प्रिंसिपल्स है, इसीलिए ये एक क्रिटिसिज्म बन के रह गया। लेकिन ये क्या है, अभी क्या चाहता है गिफेन पैराडॉक्स, अभी क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको जब, जैसे ही वो डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर आएगा ना, तब आपको आराम समझाऊंगी और मैं याद रखूंगी कि मुझे ये चीज़ आपको समझानी है, तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो यस गाइस, आज की क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मैंने कोई भी चीज़ आपके लिए लेफ्ट आउट नहीं करी, एक एक आपके लिए पेज मैंने टर्न किया है। और इस चीज़ की वैल्यू समझें आप, ये ना समझे वीडियो कितनी लंबी है या कितनी कैसी है, मैंने आपके लिए, मैं जो बेस्ट कर सकती, जो जिस तरीके से मैं पढ़ती आई हूँ या पढ़ रही थी अपने टाइम पर, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।